टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल स्टेशन। आज मैं आप सबके सामने प्रैक्टिस मॉक का मॉक एनालिसिस लेके आया हूँ, आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर का। मैंने प्रैक्टिस मॉक का मॉक टेस्ट खरीदा था, मैंने टेस्ट बुक का भी परचेज कर रखा है, बट मुझे प्रैक्टिस मॉक में कुछ ज़्यादा इतना खास इसलिए नहीं लगा क्योंकि पर्टिकुलरली लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट नहीं गिवन है इसमें। जैसा कि मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि आईबीपीएस एसओ प्रीलिम्स का ये रहा, मैंने अटेम्प्ट किया था, तो ये मेरी एनालिटिक्स रही है। 78.35% डाला है, एक्यूरेसी 70 है और स्कोर मेरा 34.5 रहा है, 120 रैंक। गाइस मेरी रैंक इसमें इसलिए ज़्यादा आई है और परसेंटाइल कम क्योंकि ये ना लॉ ऑफिसर के लिए नहीं था। मैंने जैसा आपको बताया इंग्लिश और हिंदी सेक्शन मैंने अटैम्प्ट किया है, जैसा कि देख रहे हो क्वांट सेक्शन में मैंने अटैम्प्ट जीरो किए हैं क्योंकि लॉ ऑफिसर के सिलेबस में क्वांट आता ही नहीं है। तो ये रहा, मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि रीजनिंग में मेरे 97.67% रहा है। इसमें इंडिविजुअली भी सेक्शन वाइज दिखा देता है, शो होता है। तो 14th रैंक है रीजनिंग में एंड 24th रैंक है इंग्लिश में, जिसमें मेरा 95.89% रहा है। मार्क्स 13 है 25 में से और 21.5 है रीजनिंग में मेरे मार्क्स हैं। तो ये गाइज मेरा ये था मॉक। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको सिर्फ रीजनिंग और इंग्लिश के लिए करना है तो ही आप परचेज करें, अगर IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के लिए जा रहे हैं पर्टिकुलरली तो परचेज करने का फ़ायदा नहीं है। और मैं आप सबको टेस्ट बुक से भी कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जब मैंने आपके सामने टेस्ट बुक का खोला है IBPS एसओ लॉ ऑफिसर का मॉक टेस्ट 2021, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट 11 है, तो मैंने इसमें से दो दिए हुए थे। तो मैं आपको लास्ट टाइम मैंने एक लेके आया था आपको, अब एक और दिखाता हूँ जो मैंने आज फ्री वाला दिया, जो सबके लिए था, बस रैंक चेक करने के लिए दिया था मैंने। मैं वैसे ऑलरेडी दो दे चुका हूँ, तो एक में 8 रैंक आई थी और जो अभी मैंने फ्री वाला दिया उसमें मेरी रैंक 7 है। मैं आपको इसका एनालिसिस दिखाता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है। रैंक 7 आई थी, 71.63 स्कोर रहा है मेरा, 112 अटैम्प्ट किए थे। हमेशा मेरे को इंग्लिश में थोड़ा डाउट रहता है तो उसी में एक्यूरेसी गड़बड़ होती है, तो 99.21% आई है मेरी। इंग्लिश में मैंने 47 अटैम्प्ट किए थे, 15.38 मार्क्स हैं और एक्यूरेसी जैसा कि मैंने कहा कि मेरी हमेशा इंग्लिश में ही एक्यूरेसी गड़बड़ रहती है। रीजनिंग में 41.5 है, मैंने अटैम्प्ट किए थे 49, 50 में से एंड 87.76 एक्यूरेसी है। जनरल अवेयरनेस में 14.75 आई है, 16 अटैम्प्ट किए थे क्योंकि अभी मेरा जनरल अवेयरनेस पूरा प्रिपेयर नहीं हुआ। मुझे प्रैक्टिस मॉक के मुकाबले ये फार मच बेटर लगा क्योंकि इसमें IBPS एसओ का पर्टिकुलरली लॉ ऑफिसर का दिया हुआ है, कम से कम 11 मॉक तो हैं जिसमें हमें इंग्लिश रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस एक ही जगह पे मिल जाता है, एक ही मतलब फुल मॉक टेस्ट दिया हुआ है। और आप चाहो तो सेक्शनल भी लगा सकते हैं इसमें चेक करने के लिए, इसमें सेक्शनल मॉक भी दिए हुए हैं, चैप्टर टेस्ट भी है। गाइस मैंने इन्हीं दोनों का लगाया तो मैं आप दोनों के सामने इन्हीं का रिव्यू लेके आया हूँ। और आप कोई भी मॉक टेस्ट खरीदिए बट टेस्ट बुक में सबसे ज़्यादा लोग मतलब इसमें एस्पिरेंट्स अटैम्प्ट करते हैं क्योंकि सबसे चीप एंड बेस्ट मतलब चीप है, बेस्ट तो काफ़ी नहीं कह सकता। ओली बोर्ड भी है, मैंने उसका लगाया नहीं है तो एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकता, बट ये कि काफ़ी चीप है ये, तो लोग प्रेफर करते हैं मतलब टेस्ट बुक। अगर आपको रैंक चेक करनी है तो इसमें अच्छे से चेक करते हैं क्योंकि ज़्यादा एस्पिरेंट होते हैं इसमें। गाइस आप लोग भी खरीद लीजिए, कोई भी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, जैसा कि बताया यूज़र नेम @AT_Words मेरा यूज़र नेम है। एंड गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स के लिए, कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।